दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लगातार रुक रुक कर हो रही दो दिन से बरसात ने पूरे स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे में बरसात के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया, जिसके चलते शहर के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 16 की रहने वाली एक महिला ने बताया कि बरसात में लोग मौसम का मजा लेते हैं, लेकिन वो अपने घरों में कैद रहती हैं क्योंकि सड़क पर हुए जलभराव के चलते यहां से निकलना भी मुश्किल होता है। इससे निकलने वाले लोग लगातार हादसे का शिकार होते हैं। इसी के चलते वो बरसाती मौसम में अपने घरों में कैद रहते हैं और नेचुरल तरीके से इस पानी की सूख जाने का इंतजार करते हैं। देन 15 इयर्स एंड ये आप अभी तो खड़े हो पा रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो पाएंगे। इतना पानी होता है कि स्टिल द थाइस, यहाँ तक आमने सामने में कितनी बार देखा है, कोई कुछ ना कुछ, कोई साइकिल वाला गिर रहा होता है, कुछ हो रहा होता है। अभी तो आप बता रहे हो एक डेथ के बारे में, मैं हजार बार बोल चुकी हूँ, अनरिपोर्टेड डेथ केसेस या फिर इंजरी केसेस या फिर जो गाड़ियों का नुकसान रहता है यहाँ पे, इसमें अनगिनत है। हर बार आप कुछ भी ले जाओगे 100% होगा। लोग एज ए लोकल रेजिडेंट, मुझे हमारे घर में पानी, बिजली, अब दूध, आपका न्यूज़पेपर, सब कुछ कुछ भी नहीं आएगा। हर कोई डरता है यहाँ आने से, क्योंकि यहाँ पर आपको बचाने वाला भी कोई नहीं निकलने वाला। एंड यहाँ पर रात को कोई लाइट नहीं रहती, देर इज़ नो प्रोविजन। हम दो तीन दिन अंदर ही घर में रहते हैं क्योंकि हम वेट करते हैं कि और नेचुरली निकल जाएगा पानी। तो बारिश का तो मज़ा कम ही लेते हैं, बारिश की आती है तो फिर हम ज़्यादा ये टेंशन में आ जाते हैं। अब ना तो बाहर निकल पाएंगे ना अंदर निकल पाएंगे, हम मज़े तो नहीं ले सकते, हम सूरज का इंतजार कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा यही एक अवसर है एक आवाज़ उठाने का, प्लीज़ देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। गौरतलब है कि बीती रात सेक्टर 21 सी इलाके में इसी बरसात के पानी के चलते एक बाइक सवार युवक पानी में डूबने से मौत हो गई। इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित गौर फरीदाबाद के सेक्टर 16 सर्किट हाउस में पहुंचे, पानी में नाव चलाई। इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद की समस्याओं को उठाते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में नेता जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दूसरे को लड़ा रहे हैं और उन्होंने खुद घरों में दफ्तरों में बैठकर चाय, समोसे और पकौड़े खा रहे हैं। आने वाले समय में जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। देखिए, मैंने प्रयास किया, पिछले साल भी प्रयास किया था। हम यूपी से 700 किलोमीटर दूर से नाव ट्रक में लेके आते हैं। हम इस नाव को चलाए सोई गूंगी भरी बीजेपी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे फरीदाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस फरीदाबाद की हालत आप देख रहे हैं, एक दिन की बारिश में क्या हाल हो चुका है, गाड़ियां ख़राब हो चुकी हैं, लोगों की मेरी जगह नंबर प्लेट तक उखड़ चुकी है। ये सभी चीज़ों में आज हम बात करें, चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोल डीजल हो, चाहे दाल हो, हर चीज़ में ये सरकार फेल है। अपने जो उन्होंने प्रोमिसज किए थे बिफोर इलेक्शन 2014, उन सभी में फेल है, जुमलेबाज वाली सरकार है। तो इस बीजेपी में, इस आपके माध्यम से बीजेपी सरकार के सभी नेताओं को चेतावनी देने आया हूं कि इस व्यथा को सुधार करें, अधिकारियों के साथ काम पर निकलें, घरों में चाय, पकौड़े और समोसे खाना बंद कर दें, जनता हित की सोच नहीं, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। हमारे जैसे लोग, लोकल परमानेंट लोग आ चुके हैं सड़कों पर और अब वो दिन दूर नहीं। अगले चुनावों में चाहे आप जाति धर्मों के नाम पर बहकाना, चाहे किसी नाम पर, जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है और ये प्रयास मैं तो करता है और आगे भी करता रहूंगा। बहरहाल पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बेमौसमी बरसात ने प्रशासन और सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में जहां सड़कों पर, नालियों में पानी जमा हो गया है, वहीं पर जमा पानी की वजह से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं और अपनी जान भी गंवा रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने जमा पानी में नाव चलाकर प्रदेश सरकार को घेरा। सत्य खबर हरियाणा के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।